का चुनाव आ गया, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, जो है वही बनेंगे, उससे बड़ी कोई पार्टी है ही नहीं, उसके सामने कोई खंगारने वाला है नहीं। अच्छा, जो कोई अगर आया भी खंगारने वाला, उसको उन्होंने जेल के अंदर ठोक दिया है। वो चाहते हमारे सामने कोई बोले ही ना। इतना पैसा उनके पास है, उनके आगे पीछे कौन खाने वाला है? केजरीवाल ने तो बहुत किया, जनता के लिए किया, गरीबों के लिए किया, सबके लिए किया। अच्छा, आप पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर फिर 13 की 13 सीटें आम पार्टी को देंगे लोग, आम पार्टी फिर आएगी। ये जितने लोग खड़े हैं इनसे आप सबसे पूछिए, किसी ने बिजली का बिल दिया है? बना रहे हैं आप प्रधानमंत्री, इसको बनाएंगे जो हम पब्लिक के लिए सोचेगा उसके लिए। आखिर आप के दिमाग में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि पब्लिक के लिए बंदा सोचेगा? व्यक्ति ये है जैसे कि मोदी जी हैं, उन्होंने देश डुबा दिया है, डुबा दिया, ठीक, पब्लिक परेशान है। अच्छा, बनाना चाहिए उसको, ठीक है, इसको बनाएंगे वो हम आप अपने सिस्टम से देखेंगे। कांग्रेस तो कांग्रेस के बनाया हुआ पे खाली बात उठ रहा है, पेंट कर रहा है, बनाया हुआ कांग्रेस क्या कोई ना और कुछ नहीं। बीजेपी कोई कहीं नहर खुदवाया है, क्या किया है? कहीं डैम बनवाया है, कोई नहर खुदवाया है? बीजेपी क्या किया है? सब कांग्रेस से किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर मार्केट में आया हूं और मैं जानना चाहता हूं कि 2024 का इलेक्शन अब चल रहा है, बड़ी संख्या में यहां पर पब्लिक है और पब्लिक से मैं बात करके आपको दिखाता हूं कि पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक किसको लाइक करती है। क्या जो भी हमारे राजनेता हैं उनमें से सब पब्लिक किसको सपोर्ट कर रही है? तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ बात करके। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? एक वो फर्स्ट क्लास। क्या काम कर रहे हैं आजकल? मैं सप्लाई करता हूँ, माल सप्लाई करता हूँ। तो घर का रोटी पानी सही चल जाता है? हाँ, बढ़िया चलता है, फर्स्ट क्लास चलता है। अच्छा, ये बताएं 2024 का चुनाव आ गया, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, जो है वही बनेंगे, उससे बड़ी कोई पार्टी है ही नहीं, उसके सामने कोई खंगारने वाला है नहीं। अच्छा, जो कोई अगर आया भी खंगारने वाला, उसको उन्होंने जेल के अंदर ठोक दिया है। वो चाहते हमारे सामने कोई बोले ही ना। नहीं, अगर मान लीजिए केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं तो उनको तो ईडी ने किया है? ईडी में किया है, सब बनाया गया है। कौन बेईमान नहीं है? कौन आपके पास? कौन मंत्री बेईमान नहीं है? किस मंत्री के पास पैसा नहीं है? किस मंत्री के पास 2 नंबर की रकम नहीं है? बड़े बड़े नेता लोगों के पास बड़ी बड़ी रकमें हैं, इतनी ज्यादा रकमें जो मोदी साहब बोल रहे हैं। मोदी साहब अपने गृह में जाके कितना पैसा उनके पास है, उनके आगे पीछे कौन खाने वाला है? केजरीवाल ने तो बहुत किया, जनता के लिए किया, गरीबों के लिए किया, सबके लिए किया। अच्छा, आप पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर फिर 13 की 13 सीटें आम पार्टी को देंगे लोग, आम पार्टी फिर आएगी। ये जितने लोग खड़े हैं इनसे आप सबसे पूछिए, किसी ने बिजली का बिल दिया है? हमको केजरीवाल की पार्टी से फायदा है, हमें तो 2 साल हो गए। अगर गरीब आदमी का 1000 रुपये का बिल रखो तब भी 24,000 रुपये उसका बचा नहीं बचा, उसने बचा। हम तो उसके गुण गाएंगे जो हमारा गुण गाता है, अभी हमारे फेवर में है। अच्छा, अभी गरीब आदमी का सोचता है उसकी मैं फेवर करूंगा। केजरीवाल को से पहले जिसको अंदर किया सिसोदिया को, वो भी उसको फंसाया गया। ये सब इनकी चाल है, इनको केजरीवाल को अंदर करके इसका मुंह बंद करने के लिए कोई बोलने वाला रही नहीं है इनके साथ। दोबारा अगर मोदी सरकार आ गई तो जनता के ऊपर इतना कहर ढाएगा, इतना कहर आएगा कि ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कितना बुरा कर रहे हैं। खुद मोदी अपने पे देखे कितना खर्चा करता है, एक बार विदेश जाता है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। किसी ने पूछा उसको कहाँ से पैसा आता है, क्यों खर्च कर रहे होता? दूसरा कोई खर्च करता है तो उसके पीछे सेंसर लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, लोगों को बंद कर देते हैं, उन्हीं का राज चलेगा क्या? अगर केजरीवाल, एक बात और सुन लो, अगर केजरीवाल अगर ये इलेक्शन से पहले बाहर आ जाए है तो उसके 6 गुनी वोटें वापस, 6-10 गुनी वोटें ज्यादा हो जाएंगी। आज भी उसकी वोटें हैं, बाहर आज भी लोग उसी को देंगे वोट, हारे जीते कोई भी। और इतनी बड़ी उसके सामने कोई सरकार नहीं है जो दोबारा आ जाए। दूसरी बार जब इलेक्शन हुआ था, यूपी से जीत हार होती है बिहार से, और यूपी में इन्होंने मशीनें तक बदल दी। मायावती कहती हमारी एक भी वोट नहीं निकली, क्या मायावती को वोट देने वाले नहीं थे? हरजन मायावती के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, मुसलमान बसपा के अलावा किसी को वोट नहीं देगा।
गारंटी है मेरी। मुसलमान किसी को, मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा। बीजेपी ने मुसलमानों के लिए किया ही गलत है, जो उसके लिए मंदिर बनाया था उनका लिए भी मस्जिद बनानी चाहिए थी, उनकी भी मस्जिद बनवा के देता। तो उनको जगह तो मिल गई, जगह मिली है, लेकिन उतना अरबों खरबों रुपया खर्च किया सरकार ने। हमारी भी संस्था है, हमारा भी दरबार साहब है, कोई भी मीटिंग होती है गुरुद्वारे का पैसा खर्च किया जाता है, जनता का खर्च करते हैं। तो इसने तो गवर्नमेंट का खर्च किया, जो मंदिर बना, जो अरबों खरबों रुपए खर्च किया, लोगों को दिखा रहा है ये बना दिया, सड़कें बना दी, सरकार का पैसा खर्च हुआ, क्यों खर्च किया, कहाँ से आया पैसा? दूसरी कौमों के लिए पैसा नहीं है, हिंदू और मुस्लिम का होता है, बंटवारे तो यही लोग कर रहे हैं, मारते तो एक दूसरे को यही लोग हैं। वो कहते हैं हजारों आदमी मरता है, मर जा साले, हमको क्या करना है? सही बात, हमको सीट चाहिए, वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। किसी के बाप की कोई जायदाद थोड़ी है कोई सीट, कोई प्रधानमंत्री किसी के बाप की जायदाद नहीं है, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं है। अच्छा सर ये बताएं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन है, ठीक, तो आम आदमी पार्टी के कामकाज से कितना खुश है? अभी कल पप्पी परासर साहब आम आदमी का, आम आदमी पार्टी देखिए जब से आई है दूसरी पार्टी वाले भोंक रहे हैं, भोंकते जाएं, वो अपना काम कर रहे हैं बाइज्जत, अच्छी तरह काम रहे, जगह जगह बोर्ड लगे भगवंत मान के 85% लोगों को बिजली फ्री मिली, उसके बाद में 56,000 करोड़ का वादा दिखा रहे हैं। हमने सरकारी आदमी बिजली वाले से पूछा, हमने कहा जब बिजली फ्री दी हुई है तो बिजली का वादा कैसे दिखा दिया इन्होंने, इन्होंने बढ़ोतरी कैसे दिखाई? कहते बिजली की चोरी बंद हो गई है, जो गरीब आदमी टाका डालता था चोरी करता था बिजली की, सब गरीब आदमी ने चोरी करनी बंद कर दी। मीटर जब 300 फ्री में गया, जो मीटर तो जो मीटर ठीक करने वाले हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं मीटर हम लोग ठीक करते करते परेशान हो जाते थे, लोग मीटर छेड़ते थे, गरीब आदमी मीटर छेड़ता था, एक मीटर छेड़ता था सारे मीटर खराब हो जाते थे, सब ठीक करता था, तो वो सब खत्म हो गया, सरकारी आदमी फ्री हो गया, उसको तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता। अच्छा ये जो कोई क्लेम नहीं आता, कोई ब्लेम नहीं आता है, तो आप बिल्कुल खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं, तो बहुत खुश हूँ मैं, कहता हूँ प्रधानमंत्री बने तो केजरीवाल बने, उसके जैसे सोच किसी की सोच नहीं हो गरीबों के प्रति। केजरीवाल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुभाष है। सुभाष जी क्या करते हैं आप? मैं ट्रैक्टर हूँ यार। मोंटी का कितना कमा लेते हैं? हमारी है 8,000 रुपए। दोस्तों देखिए कितनी संख्या में लेबर खड़ी है, देखिए कुछ देता तो अपन लड़के को छोड़ के किसी दूसरे को जा में लेबर खड़ी है। हम तो सबसे बारी बारी से सबके पास आ रहा हूँ। अगर जो सुभाष जी की तो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? फ्री में बत्ती जला रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी उनको तो इन्होंने वोट ने लगा के अंदर कर दिया, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन एक चीज है कि केजरीवाल का भी तो ये है कि मैंने कई बार उनको वारंट दिया गया लेकिन वो आए नहीं। देखिए उन पर सारे झूठे केस बनाए गए हैं, जो शराब या उद्योगपति ऑटो चलाने वाले को उनके प्रेशर डाल कर उनका केस दलवाया गया है, और ये इलेक्शन तक ही वो अंदर रहेंगे, इलेक्शन के बाद वो फिर बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल के कामकाज से यहाँ पंजाब में आप खुश हैं? हाँ हाँ खुश हैं, यहाँ सरकार ही उनकी है, आपकी सरकार है। तो मतलब क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। मरने का मौत का घर डर है उसको, केजरीवाल को अंदर भी डर है कहीं वो उसको कोई हिला ना दे। अच्छा ये बताइए अगर आज केजरीवाल पे कोई वार करता है, अगर वो आज नहीं रहता पूरी दिल्ली सड़क पे आ जाएगी। ये बताएं कि केजरीवाल साहब को आप लोग कह रहे हैं या उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनके जान पर खतरा है, लेकिन कोर्ट ने तो उनको बाकायदा सुरक्षा दे दी, डॉक्टर दे दिए, हर चीज़ दे दी। सुरक्षा देने के बाद भी कई कई ब्लेमों से मारा जा सकता है, अरे क्या नहीं कर सकते ये लोग यार। ये लोग कह रहे थे कि जिसने भी केजरीवाल को अंदर किया है या दो नंबर के मतलब उस पर बयान लगा के उसका वो प्रूफ दे के उसको अंदर किया है, भगवान देख रहा है वो उसको सजा देगा। वो अंदर भी राम का नाम ले रहा है, वो अंदर भी गुण गा रहा है, अंदर भी गरीबों की सोच रहा है, ये भी मैं बता दूँ। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल साहब अगर आते हैं तो बहुत जल्दी केजरीवाल साहब बाहर आ जाएंगे, ये रिकॉर्ड तय है किसी कागज में, बंद नहीं कर सकता वो। एक केजरीवाल बंद किया उन्होंने, हजारों केजरीवाल दिल्ली में खड़े हैं तैयार होने के लिए। केजरीवाल कभी अर्जुन क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूं। मजदूरी करते हैं, कितना कमा लेते हैं? वही 800-900 रुपए बन जाते हैं रोज का। तो अर्जुन 800-900 रुपए रोज का बन जाता है, मतलब महीने का 20 तो मान के चलिए ना, क्योंकि कभी कभार बनता है 3 दिन काम लगता है 2 दिन बैठ जाते हैं। हाँ वही 18-20 तो बन जाते हैं। तो कैसे चल रहा है घर का रोटी? रोटी तो मोटा मोटा चल रहा है बस भगवान की दुआ से। अच्छा 2024 का इलेक्शन अब आ गया तो आप लोग वोट किसको दे रहे हैं? केजरीवाल। केजरीवाल को क्यों? केजरीवाल तो आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या इसमें क्या खास क्या है? पूरा भारत मानता है उसको जी।
अच्छा पूरा देश मानता है, चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, पर है भगवान का रूप है केजरीवाल। भगवान के रूप है मतलब उनका जो जो भी कुछ फैसिलिटी वो दे रहे हैं आपको मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी मिल रहा है। आपका नाम? राहुल यादव। यादव जी, 2024 का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री उसको बनाएगा जो हम पब्लिक के लिए सोचेगा उसके लिए। आखिर आपके दिमाग में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि पब्लिक के लिए बंदा सोचेगा? व्यक्ति ये है जैसे कि मोदी जी हैं, उन्होंने देश डुबा दिया है, डुबा दिया ठीक, पब्लिक परेशान है। अच्छा, उसको बनाना चाहिए, उसको ठीक है, जिसको बनाएंगे वो हम आप अपने सिस्टम से देखेंगे। आपके पास आ रहा हूं। हाँ। किसको फिर बना रहे हैं आप? वो आम आदमी पार्टी बन जाए, क्या नाम, कांग्रेस बन जाए, हमारी सपा बन जाए, कोई बन जाए। अच्छा ये बताएं कि आम आदमी पार्टी है, सपा है या राहुल गांधी साहब है, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर इनमें से कोई भी एक व्यक्ति आता है तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ पहले से कुछ आज से बेटर होगा? बिल्कुल बेटर होगा, बदलाव होगा इस चीज का। अच्छा, अनिवार्य होना इस चीज का। अच्छा जी सर, तो मतलब आपका कहने का मतलब कि आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, बीजेपी खत्म करना चाह रहे हैं। बीजेपी से ऐसी क्या ऐसी गलती हुई जो आपको इतना नफरत हो गया? बीजेपी सारी गलतियां हैं, वादे सारे झूठे हैं, कहते कुछ करते कुछ। अच्छा जी सर, मतलब आपको लग रहा है कि भी बदलाव होना चाहिए? जी बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामजनी गौतम। गौतम जी क्या काम करते हैं आप? अच्छा ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन आ गया, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? मायावती को। मायावती को बना रहे हैं? तो मायावती जी यहाँ तो नहीं है ना, पंजाब में तो नहीं है, यूपी में। यूपी में तो वोट मायावती को कर रहे हैं? हाँ। लेकिन मायावती का तो कोई खास तो कुछ दिख नहीं रहा। नहीं सर, बहुत अच्छा भी चल रहा है। चल रहा है? हाँ बहुत अच्छा। अच्छा पंजाब के अंदर कैसा लग रहा है आपको, क्या कोई दिक्कत? क्योंकि बीजेपी सर सही नहीं है। बीजेपी सही नहीं है? क्या दिक्कत है बीजेपी से आपको? बीजेपी बहुत दिक्कत है, जब से आई है तब से महंगाई है और हर चीज़ पर मतलब ना तो वैकेंसी निकाले कोई भी और ना ही तो कोई भर्ती क्या यूपी के अंदर। यूपी के अंदर योगी बाबा का तो शासन बड़ा तगड़ा है। योगी बाबा तो फिलहाल ठीक है, जो भी यूपी में ठीक है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है ये ध्यान नहीं कर लूटमार ज्यादा हो रहा है, मार ज्यादा है इसमें, मतलब इसके खत्म से कहीं मार खो हो रहा है, लूटमार हो रहा है, गरीबों का हर दर्द मोबाइल खोया जा रहा है यहाँ पर, हर दर्द से गरीब बंदे जो मोबाइल ले रहे हैं 40-40 हज़ार का, 14-14 हज़ार का, यहाँ पर मार लूट वो दिन दिहाड़े में हो रहा है। ये सब क्या नाम है आपका? दिनेश जी। दिनेश जी, दिनेश जी क्या काम करते हैं आप? लेबर काम करते हैं जी। लेबर का काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं? 500 रोज कमा लेते हैं। 500 कमा लेते हैं। अच्छा ये बताइए, 2024 का इलेक्शन आ गया, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? मोदी जी क्यों? अभी अभी तो लोग कह रहे हैं मोदी जी, ठीक नहीं, आप कह रहे हैं मोदी जी को देना? मोदी जी को देना, कुछ भी हो जाए चाहे हमको हाथ कट जाए, मोदी जी को देना वोट। मोदी जी को देना? हाँ जी। क्यों, मोदी जी का क्या काम आपको बहुत पसंद आ गया? बहुत कुछ कर रहे हैं जी, देश को बर्बाद किया। नहीं, देश को बर्बाद क्यों बर्बाद कर रहा है? देश को बर्बाद किया, बर्बाद करने का नाम ले लो, इनको बोलने दो पहले। मोदी जी को हम वोट देना, कुछ भी हो जाए। अच्छा, मोदी जी को वोट देना हमें। मोदी जी को वोट देंगे? हाँ जी। आप मोदी जी को, मैं भाई भारत का हुआ नहीं लेकिन होने वाला हूँ, सब का बिगाड़ा, आप ही मोदी जी को वोट दीजिए। क्या चीज आपको अच्छा लगा जो आप कह रहे हैं मोदी जी को वोट दूंगा? उन्होंने सबसे पहले धारा 370 हटाई अजमेर से और 3 तलाक बैन किया, यूपीआई टेक्नोलॉजी लाई इंडिया में, वंदे भारत एक्सप्रेस लाई इंडिया में, ट्रेन नई ट्रेन और इंडिया को फास्ट 5वें नंबर पे इकोनॉमी वर्ल्ड लाई, सबसे फास्ट जुड़े इकोनॉमी। अच्छा आप कह रहे हैं, चलिए आप कुछ पढ़े लिखे लग रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं कि मोदी जी कहे कि मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दूंगा भारत को, आपको क्या लग रहा है बनेगा भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब? नहीं बनेगा, बन रहा है, बनना नहीं रहा है, तभी तो घुड़ेंगी इकोनॉमी हो रही है। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जो है मैं तीसरे स्थान पर ला दूंगा आपकी बात। तो आ ही जाएगा, 27 में नहीं आएगा, 30 तक तो आ ही जाएगा आराम से। आ जाएगा, फास्ट हो रहा है, 6.8% ग्रो करा है इंडिया, 80 रुपये किलो टमाटर, बाकी देश में सबसे ज़्यादा इंडिया ग्रो करा। सर आपका शुभ नाम? शशि भूषण। शशि भूषण साहब ये बताएं क्या काम करते हैं आप? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। अकाउंट का काम करते हैं। अच्छा 2024 का इलेक्शन चल रहा है तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? मोदी साहब। नहीं मोदी साहब को क्यों बना रहे हैं, और भी तो नेता, मोदी साहब में ऐसा क्या देख लिया आपने, बताएं थोड़ा? उनका काम अच्छा लगता है। क्या खास हो गया, जैसे मेट्रो वगैरह यहाँ पे लेके आना और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
एक मिनट, उसका बात सुन लिया हमने, एक बात इधर कर लो ना यार। मेट्रो कौन लेके आया था बताएं आप? मेट्रो कांग्रेस लेके आया था कि बीजेपी लेके आया था? कांग्रेस पहले तो था, कांग्रेस लेके आया, पहले से ही था। तो ये बीजेपी का नाम क्यों ले रहा है? अरे भाई एक बात बताओ, जो लेके आया उसके बारे में बोलो ना, वो बीजेपी का नाम ले रहा है। अरे भाई उनके समझ में जो आ रहा है उन्होंने बोला, आपके समझ में आ रहा है आप बोलिए। सर जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है वो गलत बोलो। अच्छा ये बताएं, 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए में मिल रहे हैं? बताए देख लीजिए, इतना 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहे हैं? बीजेपी सिर्फ मेरे को नहीं नजर आ रहा, बीजेपी जो है वो हिंदू और मुसलमान में लगा हुआ है, सिर्फ लोगों को भटका रहे हैं। काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, ना काम ना गिनती करवा रहे हैं। रोजगार देने वाला था, रोजगार दे। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आप कह रहे हो, आप मीडिया वाले आपको पता नहीं है? अच्छा ये कौन सही है कौन गलत है? भाई देखिए ये तो पब्लिक बोलेगी, हम तो नहीं, पब्लिक तो हम बोले ना, हम तो बोल रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। आपको भी पता है जो सिलेंडर है वो 400 का वो 1200 में पहुंच गया, अब वो 100 रुपये कम कर दिया है, 100 रुपये कम करके फिर वो जाके 2000 में सिलेंडर मिलेंगे। आप कह रहे हो कि बीजेपी सही है, बीजेपी सही कैसे? अनपढ़ के हाथ में देश आएगा तो ऐसा ही होगा, अनपढ़ के हाथ में देश आएगा तो ऐसा ही होगा। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी अनपढ़ लग रहे हैं? क्या अनपढ़ ही है क्या है? तो अनपढ़ नहीं होता तो ऐसा उड़ंग उड़ंग वो कानून लेके आते? कौन सा कानून ऐसा आ गया जो आपको बुरा लग रहा है? हर कानून सर उसका कोई काम सही है ये नहीं है, जिम्मेदार हो तो कोई काम उसका सही नहीं है। और बताओ सिर्फ इनका एक ही काम सही है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बस यही काम है, कोई काम नहीं इसका, यही काम है। अच्छा ये बताए कि जो भी फैसिलिटी राशन है बिजली है जो कह रहे हैं कि मिल रही है फ्री, आपको मिल रहा है? वही तो कह रहा हूँ सर, 5 किलो राशन दे करके, वही 5 किलो राशन दे करके सिलेंडर कर दिया 1500 का है ना, 400 का 1200 कर दिया, तो तेल था 80 रुपये आज 120 रुपये 30 रुपये है, 5 रुपये पेट भर जाएगा? 150 रुपये वही तो करो, 5 रुपये 5 किलो में पेट भर जाएगा? 40 रुपये किलो हो गया, कहाँ से पूरा होगा? जो 20 रुपये किलो आटा मिला था 40 रुपये किलो हो गया है, डबल हो गया, कहाँ से पूरा होगा? जो 70 साल में कुछ नहीं, 70 साल में जितना बढ़ाया हुआ 70 साल में हुआ है वो 10 साल में डबल हो गया, डबल में होगा, क्यों हुआ डबल? तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब जो कुछ भी है आपको ठीक नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? सर इसके शासन में सारा चीज गलत है, कुछ नहीं सही। हमारे हिसाब से जो है वो जो है केजरीवाल सही है, जो भी है उसका सरकार बने ना बने। क्या नाम है आपका? गुलाम वारिस। गुलाम जी क्या करते हैं आप? सिलाई का काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं? सर यही 15-16 हज़ार रुपये मैंने कहा। तो क्या घर परिवार बीवी बच्चे चल जाते हैं सही तरह से? सर चलाना पड़ता है, इतना तो चलता नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? अभी तो नहीं हुआ, बच्चे ही नहीं है? नहीं है, आप तो बड़े लेट हो रहे हैं, आपको क्या करें सर। अच्छा गुलाम जी ये बताएं कि आपको कैसा, आपको इस सरकार में कैसा लग रहा है? या वोट आ गया राज, ये अपना इलेक्शन चल रहा है, किसको वोट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? सर प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर पंजाब में आएंगे, हमारे बिहार में तो अभी सब अलग अलग, ये कांग्रेस से कोई, बीजेपी से कोई, एमआईएम से, सबका अपना अपना एक राय अलग है सर। आप यहाँ आप किसको दे रहे हैं? सर यहाँ तो हमारा वोट ही हमारा बिहार में है। अच्छा फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे और बताएं क्या आपके? सर बेहतर ये होगा कि कांग्रेस आए तो कांग्रेस के जमाने में काम बढ़िया चल रहा था, इस जमाने में हम लोग के काम में इतना मजा नहीं है। अच्छा ये बताएं कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की मैं आऊँगा तो मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दूंगा, तो बुरा हाल कर दिया देश के, ट्रेन में जाकर देखे कितना स्टेशन पर भीड़ है, स्लीपर बोगी खत्म कर दिया, जनरल बोगी खत्म कर दिया, एसी 2000 पर कटा के गरीब आदमी आएगा टिकट कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? एक बात और, कैसे आएगा? मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी कमाई है 200 रुपये, चार परिवार है हमारा, खर्चा 400 रुपया, तो 200 रुपये कौन मेंटेन करेगा? मोदी करेगा, मोदी करेगा। नहीं महंगाई इतनी बढ़ रही है, कमाई है नहीं, क्या रोजगार है? 10 साल बीत गया उनको, कई को बहाली निकाले हैं रेलवे में, केंद्र में कई को बहाली निकाले हैं 10 साल में, बेरोजगार क्या बढ़ेगा? नहीं राहुल गांधी बात है, राहुल गांधी हर साल निकालता था कांग्रेस के राज में 2 लाख का मजदूर का जो है गला काटा जा रहा है, 4 दिन में 2 दिहाड़ी लगता है, 2 दिहाड़ी नहीं लगते हैं, जो 2 दिहाड़ी नहीं लगता है वो कहाँ से मेकअप करेगा? भगवान के ऊपर है दिहाड़ी लगे तो, कांग्रेस के बीजेपी के राज में गरीबों का वो कर रहा है, कतल कर रहा है, गर्दन दबा रहा है। अजय तो आप फ्री जो राशन वगैरह मिल रहा आपको नहीं मिल रहा? राशन 5 किलो सामान पकड़ अनाज से क्या होगा, खाली फुला फुला फाकेगा राशन? कनक भी आता है सुन सान के। अच्छा एक मिनट, दूसरी बात, राशन उसी को मिलता है गांव में जाके देखिए, जिसको जमीन है नौकरी है उसको राशन मिला है,
राशन मिलने वाला को नहीं मिल रहा है, गरीब को नहीं मिलता है। पाँच किलो राशन कितने कितने का होता है? क्या होगा? सुनो, पाँच किलो राशन कितने का है? 150 रुपए की, 150 रुपए की है महीने की। सिलेंडर कितने के आते हैं? 1200 रुपए की। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में कर दिया है। कर दिया, बताइए कि खाली मंदिर मस्जिद पाकिस्तान का बात करता है, उससे पेट भर जाएगा जनता को? गरीब को पेट भरेगा नहीं, काम यहाँ मिलता है, काम भी नहीं यहाँ मिलता है। जो हमारी बात है ना, वो साड़ी दिखाना है। राशन गरीब गांव में जाकर देखिए, जिसको जमीन है उसको राशन मिलता है, जिसको जमीन नहीं है उसको राशन नहीं मिलता है। चलिए हमारे गांव में दिखाते हैं। कहाँ के हैं आप? मैं बिहार का हूँ। जिसके पास जमीन है उसको राशन मिलता है राशन, जिसको जमीन नहीं है उसको राशन नहीं मिलता है। जो बीजेपी का नेता है उसका धुला हुआ है, जो केजरीवाल का है, आम आदमी का है या कांग्रेस का है, वो सारे देखिए। तो मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। 17 महीना में तेजस्वी यादव 5 लाख का नौकरी दिया है, बताइए एक 10 साल में कब नौकरी दिया है तेजस्वी यादव बिहार में? 17 महीना में 5 लाख के दिया है नौकरी। आप भी बोल है, कांग्रेस कब को दिया 10 साल में? बीजेपी कब को नौकरी दिया? बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कुछ काम ही नहीं किया है हमको, बताओ बीजेपी कुछ गरीब को किया क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं किया है। कहना हमारे कहने का मतलब ये है कि देश में विकास का काम तो हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? रोड बनाया है? कौन सा विकास हुआ है? कौन सा विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। तो बीजेपी को कहां से दो, देश को क्या संभालेगा? हां है कि नहीं? मेन मुद्दा यहाँ पैसे प्रेटी और बहु की बात करते हैं तो जी भी नहीं समझ रहे देश को क्या समझ। कांग्रेस तो कांग्रेस के बनाया हुआ भाई, खाली वोट उठ रहा है, पेंट कर रहा है, बनाया हुआ कांग्रेस को क्या कोई ना? और कुछ नहीं, बीजेपी का कोई बीजेपी कोई कहीं नहर खुदवाया है क्या? किया है कहीं डैम बनवाया है? कोई नहर खुदवाया है बीजेपी? क्या किया है? सब कांग्रेस के किया हुआ है। जो कुछ किया हुआ है काम भारत में कांग्रेस के हुआ है। सर बीजेपी शासन में कुछ भी नहीं किया हुआ है कि मतलब गाय का गोबर खाया जाता है, गाय का पेशाब पिया जाता है, नहीं होता है। कुछ नहीं किया है बीजेपी। बीजेपी खाली गरीबों का गला घोट रहा है। पता होता है कि माँ का दूध पिया जाता है, पेशाब नहीं। ठीक है, ऐसे ही बीजेपी गरीबों और नहीं तो उसका आरक्षण खत्म करने के लिए बोलता है। बताइए आरक्षण क्यों खत्म करेगा? जब तुम आरक्षण लिखने के भागीदारी नहीं होता, खत्म करने के भागीदारी क्या भागीदारी बने होता है? मोदी जैसा बेईमान प्रधानमंत्री आज कोई नहीं आया है, ना कोई आएगा। मोदी जैसा प्रधानमंत्री बेईमान। क्या नाम है आपका? ये अप्रोज नाम है। अप्रोज जी क्या करते हैं आप? मेरी फैक्ट्री है। फैक्ट्री है तो कमाई अच्छी हो जाती होगी। ठीक है, अब चल रहा है जैसे हालात है उसमें तो ठीक है। फैमिली ठीक चल जाती है? हाँ, फैमिली सही सही। तो क्या आप चाहेंगे 2024 का इलेक्शन अब आ गया? राहुल गांधी आएगा? राहुल गांधी सर युवा नेता है। राहुल गांधी जवान है, उसकी सोच जवान है। हमारे जवान जवानों को देखेगा वो तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा को नहीं देखेगा। उसको हम लोग रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि अभी हमारे सोच का लोग चाहिए, हमारे को काम करने वाला, काम करवाने वाला। क्योंकि अभी देखो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, 80 लाख लोगों को जब अगर 80 करोड़ लोगों को जब अगर 5 किलो राशन देना पड़ रहा है तो इससे पता लगता है कि कहां तक बेरोजगारी बढ़ गई है। हमको राशन नहीं चाहिए, हमारे को 5 किलो राशन लेकर के खाना पड़ रहा है। और सर दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के राज में आज तक हर कुछ हुआ है, बीजेपी के राज में वो तो 3 काम नहीं गिना पाते हैं, तो चाहे वो काम क्या करेंगे? वो तो एक ही काम गिनाते हैं बस, कि मंदिर पाकिस्तान है, हिंदुस्तान कुछ नहीं होता है। बताइए मंदिर से हमारा पेट भरना पड़ेगा। मोदी 75 साल के हो गए तो कहते हैं कि अब जिता दो, और बहाली निकाल रहा है 4 साल के, 4 साल में जवान के रिटायर करके घर भेज दो। बताइए ये कौन तरीका है? अपने 75 साल के हो गए तो कहते हैं कि हमको जिता दो अबरी बार, और 4 साल का नौकरी देकर उसको घर भेजा दो, ये कौन तरीका है जी? पढ़ लिख के 4 साल का नौकरी करेगा? अरे बूढ़ा हो गया 75 वर्ष के, 4 साल बाद वो कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। ये 75 साल का हो गया तो कहते हैं कि हमको अबरी बार बना दो, अब भी हमको बार बना दो। बताइए इसलिए हमारे ये कौन तरीका है? अखिलेश यादव ये सब युवा नेता है, वो आगे बढ़े, उनको जिताए क्योंकि उनके ही सहारे देश है। वो अगर अच्छी सोच में वो चल रहे हैं, अभी 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने मिल गया 17 महीने में, 5 लाख 17 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी दे दिया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए सब बड़ा? वो अगर पूरा 5 साल राज चलाए ना, वो कम से कम करोड़ों नौकरी दे देगा। वो 1 करोड़ का बात किया वो दे के रहेगा।
वो राहुल गांधी ने भी बोला है कि भाई जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 अश्विनी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल ये है सर, आप इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप क्या बोलते हैं इसको, आए यहाँ तक, मेहनत जो देश चल रहा है ना उसी के भरोसे चल रहे हैं, जो देश चल रहा है ना कांग्रेस पार्टी के भरोसे चल रहा है। अगर पहले की पार्टी अगर ये सब कर रही होती ना, कांग्रेस पहले की पार्टी ये सब कर रही होती तो ना अस्पताल होता, ना ये एम्स बना होता, ना हॉस्पिटल बना होता, कुछ नहीं बना होता, ना ओवर ब्रिज, आजकल फ्लाई ओवर नहीं दिखते, ना अपना मेट्रो दिखता। मेट्रो भी तो कांग्रेस के राज में आया, हॉस्पिटल भी कांग्रेस के राज में बना, और जितने भी अपना जितने भी बंदे को नौकरी मिला है सरकारी, कांग्रेस सब कांग्रेस के राज में मिला है। जब भारत देश अंग्रेज छोड़ा तो देश में क्या छोड़ गया था अंग्रेज, इतना पौधान में कौन लाया, कांग्रेस लाया है। 70 साल में कांग्रेस ने इतना बढ़ाया, अंग्रेज गया तो फिर क्या छोड़ के गया था, छोड़ के गया था कौन बात। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया यहाँ सब लेबर की क्लास के लोग हैं, सब मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, अपने बाल बच्चों का परवरिश करते हैं, काफ़ी रोष भी दिख रहा है लोगों के अंदर। मैं बहुत सारे लोगों से बात किया है, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है मीडिया के सामने, और मैंने आपको दिखाया, बड़ी ईमानदारी से मैंने दिखाया है। तो दोस्तों जो भी जिसकी समस्या है उसने अपनी बताई है, जो जैसा जिसका उचित दिमाग काम किया उसने बात किया। तो दोस्तों अब आज का न्यूज मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।